राधे, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ मैं ठाकुर जी की कृपा से आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। यही आशा, यही प्रार्थना मेरी हर वक्त अपने ठाकुर जी से रहती है कि आप सब अपने जीवन में सफलता को पाएं और हर वो मुकाम पाएं जिसकी आप तमन्ना रखते हैं। इसी के लिए मैं आपके लिए 2021 क्या विशेष है, क्या आपके लिए अच्छा है, कौन सा समय आपके लिए कुछ बुरा लेकर आएगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, कुछ इस तरह की ही विशेषताएं और कमियों के साथ जो है, कमियों को दूर करने के लिए उनके उपाय भी हैं जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2021 में, ताकि आपकी जो परेशानियां वह भी दूर हो और आप इन उपायों को करके जो कमियां हैं आपकी वह भी आपकी दूर हो और आपका 2021 का साल बहुत खुशियों वाला और संपन्नता के साथ आपकी मनोकामनाएं पूरी करने वाला साबित हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं 2021 वृषभ राशि के बारे में, क्या विशेषताएं हैं, क्या कमियां हैं 2021 में। 2021 वर्ष के प्रारंभ में और जनवरी 2029 तक का समय जो होगा आपके लिए वह थोड़ा संघर्ष वाला होगा, पर घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि संघर्ष का नाम सुन के कई लोग काफी परेशान हो जाते हैं। परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है, थोड़ा समय है आपको जिसमें आपको ऋण संबंधी परेशानी हो सकती है या आपके कर्जों की या आर्थिक तंगी जिसकी वजह से आप थोड़ा डिप्रेस हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, पर आगे जो समय आपके लिए आने वाला है बहुत अच्छा आने वाला है। 2021 जनवरी 30 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक का समय आपका जो आने वाला है उसमें आपके लिए काफी जो परेशानी अब तक आप झेल रहे थे, जिन परेशानियों का आप सामना कर रहे थे उनमें काफी हद तक सुधार देखने को मिलेगा। बस थोड़ा सा ये है कि आपका हो सकता है दाम्पत्य जीवन थोड़ा डिस्टर्ब हो या थोड़ा परेशानी वाला हो सकता है पारिवारिक कोई क्लेश वगैरह आपकी परेशानी जीवन में आए जिसकी वजह से आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं, पर जो आर्थिक तंगी आप अभी तक झेल रहे थे, कर्जों की परेशानी थी, आर्थिक तंगी थी, उसमें आपको काफी रिलीफ मिल सकता है। 21 फरवरी से लेकर 9 अप्रैल तक का जो समय है वह आपके लिए गोल्डन टाइम साबित हो सकता है क्योंकि इस समय में आपको आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। जी हाँ, ये आपके लिए बहुत ही शुभ समय होगा। इसमें आपको आकस्मिक धन मिल सकता है, हो सकता है आपका अगर नौकरी कर रहे हैं तो उसमें आपको तरक्की मिल सकती है या व्यवसाय कर रहे हैं तो कोई आपको बड़ा मौका मिल सकता है अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। अगर सरकारी नौकरी कर रहे हैं तब भी आपको पदोन्नति का अवसर मिल सकता है। घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, हो सकता है कुछ आपके बिछड़े रिश्ते जो भी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको धन की कमी की अभाव के कारण आपको छोड़कर चले गए थे, पर इस समय वो आपके पास आ सकते हैं, आपको सलाह दे सकते हैं निवेश करने के लिए। किसी तरह से हर तरह से ये समय आपके लिए बहुत ही शुभ होगा, पर आपको इस समय जो आपको धन का आगमन मिलेगा, आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी, उसको आपको बहुत ही सोच समझ कर संयम से और अपने दिमाग से सोचकर ही आपको ये निवेश करना है, जल्दबाजी में नहीं, किसी के सलाह में नहीं। बहुत ही हो सके तो आप इसको प्रॉपर्टी में निवेश करें जिससे आपको बदले में इसका काफी मुनाफा हासिल हो। 10 अप्रैल से 5 मई तक का जो समय है उस समय आपके परिवार में किसी सदस्य की तबीयत खराब हो सकती है, हो सकता है कि उसकी वजह से आपको थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़े, धन का व्यय हो, हॉस्पिटल तक भी जाने की नौबत आ सकती है, तो थोड़ा आपको इस बात का ध्यान रखना है। हो सकता है इसमें आपकी भी तबीयत खराब हो सकती है, आपके लिए भी थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है, परिवार का तरफ आपको ध्यान रखने की जरूरत है, परिवार को थोड़ा वक्त देने की जरूरत है, पर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ऐसी गंभीर बीमारी नहीं हो सकती। थोड़ा समय है जो आपको थोड़ा अपने परिवार को और अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। 6 मई से लेकर 14 जून तक का समय जो है
वह आपके लिए बहुत ही उत्तम साबित होगा। इस समय अगर आप कोई सरकारी काम करने की सोच रहे हैं या सरकारी काम आपका कोई अटका हुआ है या कोई प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं वो आपकी नहीं हो पा रही, निवेश करने की सोच रहे हैं आप नहीं कर पा रहे हैं, या सरकारी नौकरी आप कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी से आपको बहुत अधिक लाभ हो सकता है, हो सकता है कोई आपको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आपके बने जिससे आपको काफी लाभ भी मिल सकता है, तो ये समय भी आपके लिए काफी उत्तम साबित हो सकता है। उसके बाद 15 मई से 10 अगस्त तक का समय जो है ये उन जातकों के लिए है जो जातक नियमित रूप से नशा करते हैं, तो उनके लिए ये समय बहुत ही परेशानी वाला साबित हो सकता है। उनके लिए हो सकता है कि उनको अपनी स्वास्थ्य की लापरवाही यहाँ तक कि हानिकारक सिद्ध हो सकती है कि उनकी जान तक का खतरा है, पर घबराने की आवश्यकता नहीं है, पर उसमें आपको थोड़ा सा संयम रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। हो सकता है आप किसी डिप्रेशन की वजह से नशा कर रहे हैं तो आप उनसे निकलने की कोशिश कीजिए, लास्ट में आपको उपाय बताऊंगी, आप वो कंटिन्यू कीजिए, तो हो सकता है आपका ये समय भी आपके लिए आपके अनुकूल साबित हो। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपने परिवार में आप रहिए, अपने परिवार के साथ वक्त बिताइए, हो सकता है अपने मन की बात अपने परिवार अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए जिससे आपको नशे से निकलने की आवश्यकता हो, आपको मदद मिले, तो हो सके तो ये उपाय जो मैं आपको बताऊंगी लास्ट में इसको आप कंटिन्यू करें और अपनी जिंदगी की जो परेशानी नशे में या आप जा रहे हैं या नशे के कारण आपको डिप्रेशन में जा रहे हैं, फैमिली से अलग हो रहे हैं, तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। 11 अगस्त से लेकर, जी हाँ, 11 सितंबर का जो समय है वह आपके लिए निवेश के लिए चल अचल संपत्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध होगा। अगर इस समय आप अपने लिए कोई वाहन खरीदना चाहते हैं या अपनी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या गोल्ड खरीदना चाहते हैं, हर तरह से अगर आप उनमें निवेश करते हैं तो वह आपको 100 गुना लाभ देगा। जी हाँ, ये समय आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा। इसमें अगर आप काफी समय से कुछ निवेश करने के लिए सोच रहे हैं पर कर नहीं पा रहे तो इस तरह आपको काफी तरह से आकस्मिक धन भी लाभ होगा, जिसमें आप निवेश करने के लिए सोच रहे थे वह निवेश भी आप कर सकेंगे, जो आपको अभी तक आर्थिक तंगी हो रही थी वह भी आपकी सॉल्व होगी और आपकी जितनी प्रॉपर्टी थी वह आपकी 10 गुना बढ़ सकती है। इस तरह का लाभ आपको इस समय मिल रहा है। लगभग ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, आकस्मिक धन लाभ होगा आपको और हर तरह से आपके लिए शुभ साबित होगा। 11 सितंबर से लेकर साल के अंत तक का समय जो है वह आपके लिए मनोरंजन कारक साबित होगा। इसमें आप घूमना फिरना अपने परिवार के साथ वक्त बिताना, हो सकता है कुछ लंबी यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं जो आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होंगी। अगर आप अपने बिजनेस के लिए कुछ टूर वगैरह करते हैं या बिजनेस के लिए कुछ यात्राएं करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा, जो अब तक नहीं मिल पाया, जो आपने अब तक मेहनत की थी उसका फल आपको इन दिनों में जरूर मिलेगा। बस जो मैंने अभी तक आपको नेगेटिव कुछ बताई हैं बातें, जो समय आपके लिए बताया, अगर उसके लिए आप कंटिन्यू उपाय लिख लीजिए वृषभ राशि के लिए, कंटिन्यू अगर लाइफ टाइम का आप करते हैं तो जिंदगी की आपकी कोई भी परेशानी आपको कभी परेशान नहीं कर सकती, कोई ग्रह दोष आपको परेशान नहीं कर सकता। अगर आप लगातार 7 अनाजा पक्षियों को डालते हैं तो आपकी जो परेशानी है वह भी दूर होती है, और अंध विद्यालय में जरूरतमंद को आप दान देते हैं, जैसे कि आप ये नहीं कि आपने एक हाथ से दान दिया और दूसरे हाथ से आपने सबको बता दिया, ऐसा दान कभी नहीं लगता। दान वही लगता है एक हाथ से दान दीजिए और दूसरे हाथ को पता ना चले, इस तरह से अगर आप दान करते हैं गुप्त दान जितना ज्यादा हो सके अगर आप करते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, जरूरी नहीं है कि हाँ आपके पास नहीं है तो अब भी आप कर रहे हैं, पर उतना कीजिए कि किसी सामने वाले की जरूरत पूरी हो और उसका मजाक भी ना बने और उसकी जरूरत पूरी हो और उसकी दुआएं आपके परिवार को आपको मिल सके। गुप्त दान दीजिए, पक्षियों को दाना डालिए, गरीबों को मदद कीजिए, अंध विद्यालय में दान दीजिए, ये उपाय हैं। साधारण से और बहुत सरल उपाय हैं,
जिससे आपकी जिंदगी की आने वाली जितने भी कष्ट है वे भी दूर होंगे और आपका ये साल आपके लिए बहुत ही खुशियों वाला और आपकी मनोकामना पूर्ण करने वाला साबित होगा। हैप्पी न्यू ईयर, यही आशा के साथ मैं आपको कहूंगी कि ये नया साल आपके लिए बहुत खुशियां लेकर आए, आपकी जिंदगी की हर मनोकामना पूर्ण हो और अब तक की जो आपकी आशाएं अधूरी रह गई थी वह भी आपकी पूरी हो। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपनी हर फ्रेंड्स फैमिली को भी शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके, उनको भी ये लाभ मिल सके, उनकी भी परेशानियां दूर हो सके। इसी के साथ आपकी एक्स्ट्रो आपकी सलाहकार आपसे आगे लेती है। अपनी अगली वीडियो के साथ आपसे जल्द मिलूंगी। राधे राधे।